44 के हो गए हैं ऋतिक रोशन और अपने 42वें बर्थडे के मौके पर ऋतिक रोशन ने मीडिया के साथ केक काटकर अपना बर्थडे किया सेलिब्रेट। मीडिया के साथ सेलिब्रेट करने के बाद शनिवार की रात ऋतिक ने अपने फ्रेंड्स के लिए भी शानदार पार्टी रखी थी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, जिसमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर समेत कई सेलेब्स थे मौजूद। कल रात मेरी पार्टी थी, सो आई वाज विश्ड बाय ऑल माय फ्रेंड्स हु वर अराउंड मी। सब बहुत खुश थे। आई फील वेरी स्पेशल, वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम लिविंग सच अ फैंटास्टिक बर्थडे। Thank you to all my fans and to all my friends who warmed my heart this day, and to all of you, thank you so much. Mohenjo-daro has taken the entire year, and again it forces me to re-decide that this year I'm going to do more than one film, and that is going to happen. I have planned it well this year, so hopefully they're going to see more than one film of mine this year. Mohenjo, I'm very, very happy with, very proud of, and I hope you all will like it as well. लेकिन इस पार्टी में जिसे हमारी नजरें ढूंढ रही थी वो थी एक्स मिसेस रोशन, लेकिन इस बार भी मैडम इस पार्टी से रही दूर। हालांकि खबरें थी कि डिवोर्स के बाद भी दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है, इसलिए कहा जा रहा था कि इस बार सुजैन ऋतिक की पार्टी में जरूर नजर आएंगी, लेकिन इस बार भी वो पार्टी में नहीं आ सकी। पार्टी में ना होने के कारण भी सुजैन ने मीडिया को बताया। सुनिए मैडम का क्या कहना था। मुझे बुलाया नहीं गया था, हम दोनों बर्थडे पर एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं, पर एक दूसरे के अच्छे की कामना जरूर करते हैं। ऋतिक और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हम पेरेंट्स हैं और हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चे हैं। हम सोशल इवेंट पर साथ नहीं जाते, ना फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं। वेल, ऋतिक ने यूं तो एक्स मिसेस रोशन को पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन इस पार्टी में ऋतिक ने काफी इंजॉय किया और इसके साथ ही अपने बर्थडे के मौके पर खुद को 7 करोड़ की रोल्स रॉयस कार गिफ्ट भी की। हम आपको बता दें, इस साल आप ऋतिक रोशन को फिल्म मोहनजोदड़ो में देखेंगे।